आपने देखा होगा कुछ लोग चारपाई पे बैठकर पैर हिलाते हैं तो घर वाले रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? कहते अपशकुन होता। तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं। जो काम हमें रोके जाते करने के लिए कि अपशकुन होता, उसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण होते हैं। इसी तरह कुछ लोग अक्सर अपने हाथों और पैरों की उंगलियां चटकाते रहते हैं, ये भी अपशकुन होता है। ठीक है, कुछ लोग अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन की हड्डी चटकाते हैं, तो डॉक्टर मानते हैं कि ये सब करना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। ठीक है, उंगलियों और घुटने के जोड़ों में सिनोवियल फ्लूइड लिक्विड पाया जाता है और ये हड्डियों को जोड़ने में मदद करता है। साथ ही हड्डियों को एक दूसरे रगड़ खाने से भी रोकता है। कौन सा? सिनोवियल फ्लूइड यानी कि चिकनाई। चिकित्सकों के अनुसार उंगलियों को बार बार चटकाने से ये लिक्विड कम होने लगता है। अगर आप बार बार उंगलियां चटकाएंगे तो ये जो लिक्विड है वो कम होगा। ठीक है, और इससे आपके हाथ पैर में दर्द शुरू हो जाएगा। और अगर आपके उंगलियों को बार बार चटकाने से आवाज आती है, इसके मतलब क्या है कि वो लिक्विड कम हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और जोड़ों की एक्सरसाइज करें, तनाव से दूर रहें और कैल्शियम, विटामिन सी और आयरन से भरपूर चीजों का सेवन करें। यानी कि आप मान लीजिए कि अगर आप उंगलियां चटकाते हैं और उंगलियां चटकती हैं तो आपके शरीर में कमी है। किसकी? उस लिक्विड की, जो हमारी हड्डियों के बीच में रहता है, जो रगड़ खाने से बचाता है। दूसरी बात, चाय और काफी, इसका सेवन कम करना चाहिए। आपने देखा कुछ लोग दिन में कई कई बार चाय पीते हैं। देखिए, दिन में दो बार, हद से ज्यादा तीन बार, तो आप चाय पी सकते हैं। काफी, इसमें कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। जब हम इसको ज्यादा पीते हैं तो हम इसके आदि हो जाते हैं, इसकी लत लग जाती है। और अगर फिर ये अगर हमको समय पर नहीं मिलती तो हम चिड़चिड़ापन और डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं। ठीक है, इससे बचने के लिए दिन भर में जितना हो सके उतना पानी पिए। पानी ज्यादा पिए तो चाय और काफी की लत या तलब कम लगेगी। ठीक है, अचानक एक साथ तो इसको नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर तुम चाय पीते हैं, आप काफी पीते हैं और कहो कि आज से पीना बंद, तो भी दिक्कत होगी। तो आपका सर दर्द, आपको उलझन जैसी महसूस होगी, तो आप थोड़ा कम कर दें। छोड़ना है किसी चीज को तो आप सीधा सीधा नहीं छोड़ सकते, उसको थोड़ा कम करें। ठीक है, अगर आपको खेलने की आदत है, आपको कोई गलत लत लग गई, तो एक साथ तो एक बार में नहीं छूटे तो उसका कम कर दें। आप मान लें क्रिकेट ही पूरे दिन खेलते हैं, पढ़ते नहीं, तो थोड़ा कम कर दें खेलना। ऐसा नहीं कि आज क्रिकेट खेलना बंद, ऐसा नहीं, थोड़ा कम कर दें। जब कम कर देंगे तो धीरे अपने आप, ये खेल की बात नहीं, खेलना तो अच्छी बात है, सुरक्षित तरीके से खेलना तो अच्छी बात। और चीजों की, किसी टीवी देखने की आपको लत है, दिन भर आप टेलीविजन देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो थोड़ा कम कर दें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल टीवी का बक्सा बॉक्स निकाल के और तार अलग रख दें, थोड़ा कम कर दें। तो कम करेंगे, इसी तरह चाय काफी बिल्कुल ना बंद करें, लेकिन थोड़ा कम कर दें तो इससे हम स्वस्थ रहेंगे। और कई प्रकार के आसन, जैसे चक्की चलन आसन आज बताया था। तो पहले समय में चक्की चलती थी घर में, बीमारियां कम होती थी। अब चक्की चलना बंद हो गई, तो आप पैकिंग वाला आटा खाते हो या बाजार से पिसवाते हैं। घर में किसके किसके चक्की अभी भी चल रही, शायद ही कोई हो चक्की चलती है, तुम्हारे यहाँ चल रही? वेरी गुड। तो ये एक प्रकार का आसन है, व्यायाम है। चारा काटने वाली मशीन, नहीं काट रहे तो उसी तरह आप एक्ट कीजिए, चक्की नहीं चलाते दूसरी तरह एक्ट कीजिए, तो आसन हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है, तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, क्योंकि कहा गया है कि उत्तम सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया। पहला सुख आपका स्वस्थ शरीर, उसके बाद घर में धन दौलत जरूरी है। अगर धन दौलत कितनी भी है, अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो उस धन दौलत का आप आनंद नहीं।